तो एक बार फिर से स्वागत है आपका नए व्लॉग पे। हम लोग जा रहे हैं और ये रहे शर्मा जी, इनकी गाड़ी रेडी हो चुकी है। चले अभी हमें ओल्ड पोर्ट में पार्किंग मिल चुकी है पूरे 25 मिनट के बाद। सारी एसेसरीज लेकर आ गए, गोप्रो गिम्बल वगैरह सब कुछ है। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। वैसे ओल्ड पोर्ट में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओ तो ही बेटर है, क्योंकि ना पार्किंग का सबसे ज़्यादा इश्यू होता है। और अभी हम निकल रहे हैं, सो इन्जॉय करते हैं, लेट्स गो। ओल्ड पोर्ट की सबसे बढ़िया खासियत क्या है, यहाँ की पुरानी पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पर अभी समर टाइम है तो लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और घूम रहे फिर रहे। अच्छा, अब आपको घूमने फिरने के लिए एक बहुत बेस्ट सॉल्यूशन बताऊँ तो ये है बिक्सी साइकिल। लोग इसे ऐसे यानी रेंटल साइकिल की तरफ कुछ आवर्स के हिसाब से ले लेते हैं और इससे डिलीवरी की जॉब्स भी करते हैं और कितने लोग घूमने भी जाते हैं। इमारतें ही तो यहाँ की पहचान है और यहाँ पर समर्स में नहीं आए और एक्टिविटीज नहीं की तो फिर क्या ही किया। एक बार मैं आपको यहाँ के रंग बिरंगी नज़ारों का दर्शन करा देता हूँ। समर्स में यही तो एंजॉय करने जैसा है यार। और ये पीछे जब अप्रतिम चीजें दिख रही होगी और फिर ये यहाँ पर बिल्डिंग्स थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इनोवेशन चल रहे हैं। और फिर यहाँ पर ये जो गार्डन है ये आपको दिख रहा होगा, वो भी अट्रैक्टिव पार्ट है ओल्ड मॉन्ट्रियल का। ये जो फ्रेंच कल्चर वाला जो व्यू है ये देख के अलग ही फीलिंग आ रही है। सो इसलिए ओल्ड पोर्ट आओ और ओल्ड मॉन्ट्रियल में विजिट कर रहे हो तो चल के विजिट करो, स्पेशली डाउनटाउन भी और ये ओल्ड पोर्ट भी, ये दोनों जगह ऐसी हैं। समर्स में सभी रेस्टोरेंट में ऐसे डाइन इन को डाइन आउट कर दिया जाता है, यानी बाहर वो टेबल्स लगा दी जाती है कि लोग है ना बाहर का व्यू लेते लेते मस्त इंजॉय करें खाने को। तो यहाँ पर अभी सब लोग समर्स में आउटिंग के लिए आए हुए हैं, लोग हरियाली और पानी को एंजॉय कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाओं को एंजॉय कर रहे हैं। और अब ये देखो, ये है सेंट लॉरेंस रिवर जो ओल्ड पोर्ट को टच होके निकलती है। यहाँ पर पहले भी नावें आती थी, अभी भी आती होगी, यहाँ पर समर्स में एक्टिविटी भी होती रहती है, आती है। ये जो यॉट्स आपको दिख रही है सामने इस कैमरे से और इस कैमरे से भी, उसको आप रेंट पे ले सकते हैं $200-$400 प्रति घंटे का। उस एक से लेके 14 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं, छोटी भी है बड़ी भी है। वो बता ही देते कि लोग अक्सर किस तरह से यहाँ पर इंजॉय कर रहे होते समर्स को। तो ये पीछे दिख रहा है आपको सर्कस जैसा, इसको कहते हैं कूजा। कूजा संस्कृत वर्ड से ही नाम पड़ा हुआ है। सबसे पहले हमें मीटिंग पॉइंट पे जाने का है, उधर जाकर पहले जिप लाइनिंग करनी है, उसके बाद कूजा पे एक्सप्लोर करेंगे। समर्स की सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आपको बलून वाला दिख रहा है, उसके ऊपर जंपिंग करने के लिए, फिर पीछे बोटिंग करने के लिए, और फिर ये जो ओल्ड पोर्ट का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये बड़ा वाला झूला, तो ये भी चालू हो गया है और जिप लाइनिंग तो है ही। तो चलो अभी हम पहुंचते हैं वहां पर। समर्स में यहाँ पर सभी चीज़ों के स्टॉल्स भी लगे रहते हैं। समर्स में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ओल्ड पोर्ट, तो ये चीज़ मेरे लिए भी नवी थी और एक्साइटिंग थी, इंटरेस्टिंग थी। इस मीटअप पॉइंट पर आना था जो हम आ चुके हैं और यहाँ से जिप लाइनिंग हमें लेकर जाएगी उधर नीचे। उसने बोला आपको हेलमेट फ़ोन के लिए पाव सब कुछ दिया जाएगा कि आप ऊपर अपने हाथ में चीज़ें लेके जा सकते हो, अगर गिरे तो वो सेफ्टी रहेगी। सबसे पहले ये फॉर्म दिया है, इसको साइन करना है और फिर इसके बाद अभी हमें इन्हें सबमिट करके और फिर ऊपर जाने मिलेगा। Hi. So, name and signature, right? Yeah. That's all. Only if you put your phone here and it's only $5. We use our GoPro. See, do you have a something? I have it for the shoulder. All right, yeah, it's fine. Okay.
what this includes, like a one time of zip lining. जो टिकट बुक की थी ऑनलाइन उसके अंदर वो इंक्लूडेड ही था। यहाँ पे हमने पूछा तो $25 ये लोग ले रहे थे। अगर आप इन पर्सन यहाँ आके टिकट बुक कराते हो तो हमने ऑनलाइन करा ली थी तो हमको मात्र $15.99 यानी $15 खर्चा करना पड़ा और $5 इसका अलग से देना पड़ा। अब क्योंकि अब ऊपर से जाएंगे उड़ते उड़ते हनुमान जी की तरह तो अब साथ में ये नहीं होगा तो क्या मतलब। हमें चीजें दे दी है, ये GoPro भी लेकर आया था तो GoPro भी चलो इफेक्टिव हो जाएगा, काम आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आए ना तो हमें कैमरे के लिए भी ना नहीं पड़ा, इनफैक्ट फोन के लिए ये एक पाउच दिया हुआ है जो GoPro की क्लिप में से मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, बहुत ही ज्यादा मजा है, बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन फिर जो व्यू आ रहा था वो तो कैमरे में भी नहीं आया। सो आई वांट टेक योर पिक्चर। या डेफिनेटली लेट्स गो। सही नहीं आई यार, कैन वी टेक वन मोर, लाइक वन मोर, हाउ कैन वी गेट इट विद द क्रेडिट कार्ड। तो ये फोटो आई हुई है हमारी एंड वाओ थैंक यू सो मच सर। आ गई हमारी फोटो, अद्भुत फोटो आई है, फोटो मेरे पास आ चुकी है, अब मैं इसको तो देने से था तो फोटो मेरी है मुझे। सनलाइट की वजह से पता नहीं कैसे क्लिप आ रही है लेकिन वो दिख रहा है आपको, वो पिंक कलर का जो है वहाँ से लेकर हम लोग ये तारों के थ्रू यहाँ तक आए। तो आज सुबह मेरी मम्मी पापा से वीडियो कॉल पे बात हो रही थी तो उनको बता रहा था कि क्या होने वाला है तो ये किया मैंने, कुछ इतना खतरनाक नहीं था। जो झूला है यहाँ पर भी मैं पहले बैठा हुआ हूँ, मज़ा आती है, ये देखो आवाज़ निकल ही जाती है गले में से, इतना खौफ लगता है, पानी के ऊपर से जा रहे हो ना इसलिए। क्या खरीदने वाले हैं इसके लिए? चश्मा लेने का, मेरा चश्मा ले लिया ऋषभ ने, इतना बड़ा व्लॉगर इतना ज़्यादा कमाता है फिर भी खुद के लिए चश्मा नहीं लिया। अरे चश्मा ले सकते हैं पर यहाँ पे अलग प्रंगा है कुछ। बहुत ही मज़ा आई जिप लाइनिंग करने में, वर्थ इट था। वैसे आपको आसपास के लोगों के चेहरों पे मास्क नहीं दिख रहा होगा क्योंकि 15 मई से ही यहाँ पर मास्क हट चुका है। ऋषभ चश्मे है यहाँ पर, अगली बार मैं तो दूंगा नहीं, कौन सा लेना है? कौन सा लेंगे? ये घड़ी ले ली है You're welcome. Enjoy the watch and I hope, where are you going? Back to where? Oh, but I'm a student living here. Oh, okay, okay, okay. So show off the watch to all your friends. How's that? Definitely, my friend's gonna be jealous of it. So, ये है Old Fort का जिला और सभी जगह पे एक ये तो होता ही है आई लव उस सिटी का नाम। तो इधर है जितैम मॉन्ट्रियल, ये रहा आई लव मॉन्ट्रियल। जैसे ये जो पानी है यहाँ पर विंटर में स्नो स्केट्स स्नो स्केटिंग है। देखो ये क्या मिल गया उधर पीछे, इंडिया का फ्लैग बिक रहा है यहाँ पर, इंडिया का फ्लैग भी बिक रहा है, कनाडा का फ्लैग नहीं था वहाँ पर, इंडिया का फ्लैग बेच रहे लोग, है ना, इनक्रेडिबल बात। तो ये सब चीज़ें भी होती है यहाँ पर, समर्स में ही होती है लेकिन सर। हाउ मच इट कॉस्ट, लाइक व्हाट इज द टिकट प्राइस? दैट्स गोना बी परफेक्ट थिंग फॉर अस। बट इफ यू गो ऑन द वेबसाइट यू विल फाइंड इट इजीली। शर्मा जी के फोन में जो अभी हमने दिखाया उसके अनुसार टिकट 2 मिनट में एक्सपायर होने वाली है जो हमने पार्किंग के लिए थी। अगर नहीं पहुंचे तो पुलिस वहां पर पहुंचेगी और फाइन देगी, तो हमें या तो ऑनलाइन उसे एक्सटेंड करवाना है या फिर हमें जल्दी से 2 मिनट में दौड़ के पहुंचना है जो कि पॉसिबल नहीं है, 14 मिनट की वॉक है वहाँ पर। मैं तो थक गया भाई साहब,
चलते हैं हमारी गाड़ी के पास और ये देखो फिर से यार ओल्ड फोर्ट के मजे ही अलग है। आंखों से देखा जो व्यू आ रहा है वो बहुत मजेदार है। तो ये था ओल्ड फोर्ट के ब्लॉग के बारे में और यहाँ पर ही हम ब्लॉग एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाता है तो लोग देख नहीं पाते। जाने से पहले लाइक्स कमेंट्स सब्सक्राइब कर देना। हाँ अब यहाँ पर थंबनेल के लिए फोटो ले लो चल।